नमस्ते। अभी हम लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद है और यहाँ पर हमें इस देश के कुछ मुसलमान भाई लोग मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार मुसलमानों के क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, और साथ ही साथ मुसलमान इस चुनाव में किस पार्टी के साथ है, क्या उनके मुद्दे हैं। आइए बात करते हैं। सर, अपने बारे में ज़रा बताइए। मैं मौलाना निसार अहमद, जिला संत कबीर नगर, पार्लियामेंट हलका जो है वहाँ से आया। सर, अगर हम जानना चाहें कि मुसलमानों के इस चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाले हैं, किस मुद्दे पर मुसलमान किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? ये गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस समाजवादी। पर मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा यही है, बेरोजगारी, महंगाई और नफरत और देश में झगड़ा फसाद ना हो, अमन हो, शांति हो, और क्या मुद्दा। लेकिन सर, जैसा कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार बार बार कह रही है कि हम लोग शांति ला दिए हैं, पहले दंगे हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में और अब शांत हो चुका है, तो इस तरीके से कैसे भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि शांति, हम लोग शांति के लिए भाजपा को वोट नहीं देंगे? शांति अगर भाजपा लाए तो क्या हो रहा है देख रहे हो, है? मदरसे उदरसे से ही सब लोग मुल्क के जंग की, मुल्क की आज़ादी में उलमा जो थे इस भारत की आज़ादी के लिए सर पे कफन बांध कर अंग्रेजों से जंग लड़े, और उन्हीं मदरसों को जो है कलदम करार दिया जा रहा है, उन्हीं मदरसों में पढ़ने वालों को आतंकवादी और दहशतगर्दी देखा जा रहा है, उन्हीं मदरसों से जहाँ से जंग आज़ादी के मुजाहिद मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हाफिज दामिन शहीद, रशीद अहमद गंगोही और बड़े बड़े उलमा जिन्होंने सर पे कफन बांध कर कहाँ से जलियान वाला बाग से लेकर शामली के मैदान और कहाँ कहाँ तक लड़े और लड़ कर के इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, आज उन्हीं उलमा को ऊपर और उन्हीं मदरसों में पढ़ने वाले और कुरान को पढ़ने वाले को जो है कहा जा रहा है कि दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, ये मुल्क से इनके वफादारी नहीं है, हमसे ही कहा जा रहा है कि मुल्क के वफादार नहीं। और सर, अभी कुछ दिन पहले जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी जी की मौत हो गई, उसको आप कैसे देखते हैं? मुख्तार अंसारी तो जनता चिल्ला रही है कि गरीबों के मसीहा थे और किसी पर गलत क्लेम लगा करके और उनको झूठ बोला करके, बोल बोल करके उनको डान कह देना, ये तो अगर उस क्षेत्र के जो उस पार्लियामेंट के लोग हैं, उस वहाँ की जनता है, वो चीख चिल्ला रही है, उनसे जा करके पूछो, वो तो कह रहे हैं वो गरीबों का मसीहा था। सर, अपने बारे में जरा बताओ। मेरा नाम मोहम्मद अनीस है, संत कबीर नगर जिले से। संत कबीर नगर, क्या मुद्दा रहने वाला है मुसलमानों के चुनाव? मुसलमानों का मुद्दा तो आम है, बेरोजगारी है, इनके तालीमी मसाइल हैं और भेदभाव जो हो रहा है सरकार से, वही सब है और क्या है। लेकिन जैसा कि आप ही लोग के मुस्लिम समाज से मंत्री हैं भाजपा सरकार में, दानिश अंसारी जी, वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार का मन साफ है मुसलमानों को लेकर के, सरकार उनका विकास चाहती है, उनका अच्छाई चाहती है। अगर जो मुसलमानों के वो ठेकेदार होते तो मुसलमान उनकी हाँ में हाँ मिला देता कि भाई ठीक कह रहे हैं, आखिर आपको भी तो पता होना चाहिए कि मुसलमान क्या कह रहा उनके बारे में, कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, आप भी तो कुछ बताएं। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान उस तरीके से नहीं जुड़ पा रहे जैसा वो चाहती है? बस यही आपसी भेदभाव, हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं। मुख्य किस चीज को लेकर के आप लोग वोट देने जा रहे हैं इस बार, क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव देश के लिए, सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है? देश के लिए चुनाव हमेशा बड़ा होता है, कभी छोटा नहीं होता। ये लोकसभा चुनाव है, जैसे कि राज्य के लिए चुनाव होते हैं, लोकसभा देश के लिए। हाँ, लोकसभा ये खास तौर से जो मदरसों पे इनकी जो है जर्ब लग रही है, उसकी वजह से लोग और आहत हैं। क्या आपको लग रहा है कि मुसलमानों के साथ इस सरकार में भेदभाव होता है? जरूर हो रहा है, मुसलमानों के साथ ही नहीं, ओबीसी और दलितों के साथ भी हो रहा है। हाथरस में क्या हुआ, वहाँ क्या नाम है अभी, एक ये
उन्नाव में क्या हुआ और कई जगह पर कहाँ औरतों को कर रहे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और महिला के लिए क्या नारा लगा रहे हैं, लेकिन सब उल्टे हो रहा। बताइए दादा अपने बारे में थोड़ा। क्या नाम है? मौलाना नूरुल्ला। सपा से जुड़े हैं कब से? सपा से हम जुड़े नहीं हैं, पार्टी से कोई नेता थोड़ी ना है। अच्छा, पार्टी से नहीं जुड़े हैं तो अच्छी बात है। कि ये बताइए कि क्या मुद्दा रहने वाला है मुसलमानों को इस चुनाव में? मुसलमानों के चुनाव में कि मतलब अमन और शांति रखना चाहिए, और क्या इसी पे मुद्दा है कि अमन और शांति रहना चाहिए। मुल्क सरकार में उम्मीद है आपको? हैं, किस सरकार में उम्मीद है? गठबंधन से है उम्मीद हमारी? नहीं, गठबंधन तो दोनों तरफ है ना, एनडीए गठबंधन। नहीं, ये गठबंधन समाजवादी कांग्रेस से जो गठबंधन है, उम्मीद बहुत है। क्या वजह है कि भाजपा से लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं मुसलमान लोग? मतलब उनका सब जुड़ नहीं रहे तो उसकी वजह ये है कि मतलब जो है दंगा फसाद दंगे ही कर रही है। जब चाहे जिसकी जांच हो जाए उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं, जमीन पर कर देते हैं। इसलिए आदमी खौफजदा है, परेशान है, हरास है। भाजपा सरकार में मुस्लिम डरा हुआ है? डरा हुआ है, क्यों नहीं डरा हुआ है? हर जगह कानाकाई भी कुछ भी करने इल्जाम लगा करके मार दिए जाते हैं। दलित भी डरे हैं। दलित जी, आपका नाम सर? हम राम भजन लाल बिलदार हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ इस सरकार में मुस्लिम ही नहीं, दलित बैकवर्ड सारे लोग जो है पीड़ित हैं। इतना पीड़ित, आज तक भारत में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो एक झूठा पार्टी के तहत जो है झूठा बात करता, हमेशा उल्टा बात करेगा। ये कभी भी देश के हित के बारे में नहीं, न देश के समाज के हित के बारे में, न देश के लोगों के बारे में, केवल व्यक्तिगत एक आदमी के बारे में, अपने बारे में, और बाकी कुछ नहीं ये करता। इस देश को समझिए कि एक ऐसे डगर पर लेकर चल रहा है कि आने वाला दिन बहुत भयंकर जो है। जी, संविधान को, संविधान को, हाँ, इस मुल्क के सेक्युलरिज्म, संविधान या जमहूरियत जो बाबा साहब ने बनाया है उसके लिए भी तो खतरा है। भारतीय संविधान, भारत के, सर बताइए अपने बारे में। जी, मेरा नाम अफसार अहमद है, संत कबीर नगर से बिलोंग करता हूँ। ये बताइए क्या मुद्दा रहने वाला है मुसलमानों के? मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा ये बेरोजगारी है, महंगाई है, और मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है झूठे मुकदमों में। देखिए कितने लोग झूठे मुकदमों में फंसे हुए हैं, यही मुद्दा है मुसलमानों का सबसे। मदारिस की क्या खस्ता हाल होगी, मदारिसों पे जांच पे जांच, मदारिस बंद हो जाए, हमारे उलमाए कराम को हर तरह से पीड़ित करना, यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। और गठबंधन का अब की बार पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से आ रही है, सारे मुसलमान बैकवर्ड अति पिछड़ी हर सर्व समाज के लोग अब की बार पूरी भरपूर साथ दे रहे हैं। खाली मुस्लिम समाज तो कोर्ट ने रोक लगा दिया, रोक लगाया, लेकिन मदरसे पे कोर्ट वाली बात तो हो गई ना, लेकिन उस पे कौन किया है? ये बीजेपी वालों ने नहीं किया है। इसे कह रहे हैं कि हम लोग बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे। तो क्यों मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है? उनके नेता लोग, जितने बड़े नेता लोग हैं, कोई प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को भेजता है? प्राइमरी टीचर अपने, जो टीचर है वो अपने बच्चों को ले, एक मदारिस का एक उलमा जो होता है वो अपने बच्चों को खुद अपने पास पढ़ाता है, ये चीज आपको मालूम होगी। संविधान में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान है, इस समय देश में कानून से लेकर सारी चीजें एकदम धज्जियां उड़ी हुई है, बिल्कुल इनकी सारी जुमलेबाजी अब की बार इसी गठबंधन सरकार में, माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में, जितनी भी पार्टियां गठबंधन में पूरी तरह से अब की बार आ रही है, हर सर्व समाज की बार पूरी तरह से गठबंधन का साथ दे रहा है। ये बताइए क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान, इस देश के अधिकांशतः मुसलमान नहीं जुड़ पा रहे? मुसलमान को सिर्फ जोड़ने का काम किया ही नहीं है, हमेशा तोड़ने का काम किया है बीजेपी ने, इसीलिए और इसी पे ही वो राज कर रही है। हमेशा दलितों पे अत्याचार, अति पिछड़ों पे अत्याचार, जितने बैकवर्ड शेड्यूल क्लास के जितने भी व्यापारी हैं, कोई खुश नहीं है इस समय। सिर्फ बड़े पूंजीपति ही आज खुश हैं, नीचे तबके के लोग जितने, केवल 5 किलो राशन देने से जिंदगी का तमाम सहूलतें मुनासिब नहीं होंगी कि मैसर हो जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं। आप सबसे कह रहे हैं कि इतनी लाख नौकरियां हमने दी, सबसे बड़ी महंगाई बेरोजगारी देख लीजिए आप, कितने युवा जो पढ़े लिखे हैं उनसे देख लीजिए कितना भटक रहे हैं, कहीं कोई नौकरियां पिछले 5 सालों में बता दीजिए कोई नौकरियां पूरी तरह से की हो, डेट पे डेट डाले जा रहे हैं, जो मिल नहीं है उनको खत्म कर रहे हैं।
अच्छा, ये सब बात जो बता रहे हैं ये तो मान लीजिए ठीक है, सबके लिए आप बात बता रहे हैं, खास करके अगर मैं मुख्यतः मुसलमान के लिए सिर्फ जाना चाहूँ तो आखिरकार मुसलमान के लिए बात नहीं, मुसलमान केवल मुसलमान के लिए नहीं, हम समझ रहे हैं कि एक एक व्यक्ति की जानकारी होना जरूरी है, उस तरीके से हम पूछना चाहते हैं कि अगर मुसलमानों की सिर्फ बात की जाए कि किस प्रकार से मुसलमानों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, तो दो मुद्दे आप हमको बताइए। मुसलमानों के मुद्दे सब आपने एक बताया, मदरसा वाला, मदरसा क्या बताया, बेरोजगारी और महंगाई भी सबसे बड़ी मुद्दा है इस देश में, खासकर मुस्लिमों पे भी अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आप देख लीजिए कि मुकदमेबाजी में देख लीजिए मुसलमानों को टारगेट करके और मुकदमेबाजी में फंसाया जा रहा है, जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इस तरीके से फालतू मुकदमेबाजी में जाइए, देख लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए, आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं, सर्वे करिए, सर्वे करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा मुसलमान पीड़ित है मुकदमेबाजी में, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है सरकार में। कहा जाता है कि सपा सरकार आती है तो मुसलमान या यादव गुंडागर्दी करने लगते हैं, नहीं कहने वाली बात है, कहने वाली बात, कहें अमन शांति अगर चाहते हैं तो गठबंधन का साथ दे, मेरी यही सबसे अपील है कि गठबंधन का साथ दें, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और क्या कहते हैं तमाम पार्टियां जो गठबंधन में मिलके साथ दें, देखें आगे क्या कानून व्यवस्था होती है, एक बार इनको भी देखें गठबंधन। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा तो अभी कोई वो नहीं है, राजनीति है, तमाम पार्टियां हैं, जो भी आएगा उसे कबूल किया जाएगा, गठबंधन जितना है उसमें जिसको भी बनाएगा कबूल किया जाएगा सबको। उधर से तो कबूल हो चुका है ना कि नरेंद्र मोदी जी, तो उधर से तो है ही है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे तो चुनाव लड़ा जा रहा है, जुमलेबाजी हो रही है, तो जुमलेबाजी कब तक चलेगी, बहुत चल चुकी जुमलेबाजी, अब नई जुमलेबाजी चलने वाली है। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी देख ही रहे हैं यूपी में सरकार जो है, कानून व्यवस्था भी नहीं ठीक है ना, कुछ नहीं ठीक है, अब 5 साल के बाद फिर देखा जाएगा जो वो भी चुनाव आएगा। आप लोग यहाँ किससे, अखिलेश यादव जी से मिलने आए? अखिलेश यादव जी से मिलने आए हैं हम, माननीय जय चौबे के नेतृत्व में लोकसभा के टिकट के लिए आए हैं, और उम्मीद है माननीय अखिलेश यादव जी अभी आ रहे हैं और आज हम लोगों को टिकट क्लियर करेंगे, माननीय जय चौबे जी हम उन्हीं के समर्थक हैं और उन्हीं के साथ में आए हैं, उन्हीं के साथ देंगे, और ब्राह्मण से हैं लेकिन पूरा मुस्लिम समाज एकदम जय चौबे के साथ है, छोटी कास्ट हो अदर कास्ट हो सारे जय चौबे के साथ में। चौबे जी के लिए आप लोग आए? चौबे जी के लिए आए, चौबे जी का टिकट कंफर्म करने, कंफर्म करने के लिए आए हैं चौबे जी का। क्या उम्मीद है? उम्मीद पूरी है, आश्वासन दिए हैं और शाम तक सुबह ही निकले हैं कन्नौज के लिए, अभी वापिस आए, सुबह ही बताए आप लोग रहिए, शाम को मैं आता हूँ, मीटिंग हॉल में बुलाए हैं, अभी आएंगे, मीटिंग होगी, क्लियर करेंगे टिकट चौबे जी का। इधर से लड्डू बटते जाएंगे? बिल्कुल, लड्डू नगाड़े बजते जाएंगे, सब सब अपने में खुशी का माहौल रहेगा। चलिए, हमारे तरफ से भी शुभकामनाएं कि आपकी मनोकामना जिसके लिए आए हैं वो पूरी हो, और बाकी अभी हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद थे, यहाँ पर तमाम जगह से आए हुए मुसलमान बताए कि आखिरकार उनका क्या मुद्दा रहने वाला है इस लोकसभा चुनाव में, और कहीं ना कहीं चूंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मैं मौजूद हूँ, तो कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के ही तरफ से पक्ष रखे। बाकी इस पूरे बातचीत पर आपका क्या सोच रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे हैं सुमित सिंह चौहान, आप लखनऊ वाले देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।